हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। अरे जब आप बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से होता, तो उल्टा जनता से जो वसूली करते थे इसके लिए माफी तो मांग लो। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है। हर दिन कोई ना कोई पार्टी एक नया ऐलान के साथ मैदान पर जनता को रिझाने का अस्त्र फेंक रही है, तो विपक्षी उसकी काट के लिए नए तेवर में सामने आ जाते हैं। इन दिनों यूपी में फ्री की सियासत सुर्खियों में है। सूबे के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह केजरीवाल दिल्ली में फ्री की सियासत कर दोबारा सत्ता में काबिज हो गए, ठीक उसी तरह उनकी भी नैया मझधार से निकल जाएगी। वहीं अखिलेश के इस ऐलान पर बीजेपी ने करारा तंज कसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबुआ आज कुछ बोल रहे थे, उनके मुख से निकल रहा था कि सरकार आएगी तो मुफ्त बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि आप जब बिजली ही नहीं देते थे तो मुफ्त कहां से देते, उल्टा जनता से जो वसूली करते थे उसके लिए माफी तो मांग लो। जब बिजली ही नहीं दे पाए तो मुफ्त की बात कहां से आती है, उनकी सरकार में एक तरफा वसूली होती थी, आज हम बिना भेदभाव के सबको बिजली दे रहे हैं। वहीं फ्री की सियासत पर छिड़े घमासान पर जब एबी न्यूज की टीम ने जनता से बात की तो वे अखिलेश के साथ नहीं दिखाई पड़े। लोगों ने उल्टा सवाल किया कि अखिलेश यादव जब अपनी जेब से बिल भरें तो हम उनके साथ हैं, अन्यथा जनता का पैसा ना लुटाएं। कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। क्या आप उनकी तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं तो कहां से देंगे वो? वो खाली लाइट हम देखते रहेंगे, 4 घंटे ली जाती थी, अब तो 24 घंटे मिले, हम उसको देंगे? नहीं, वो हमको फ्री नहीं चाहिए, पैसा पड़ेगा वो चलेगा, हमको 24 घंटे बिजली चाहिए। अच्छा, आपका क्या कहना है? सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं, फ्री बिजली नहीं चाहिए। क्यों? नहीं पैसा देंगे, 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। सरकार में नहीं आती बिजली? अरे कम कहाँ, 4-5 घंटे आई है इस गवर्नमेंट में, तो सही है। क्या कह रहे हैं? बिजली जो है उनके टाइम जगह 4 जगह आती थी, बाकी जगह जो है हाँ और कहीं नहीं आती। बिल्कुल सही है, यानी कि अखिलेश यादव जो बिजली फ्री देने के बाद, अरे वो सब ऐसे ही है, कहाँ से दे देंगे फ्री कहाँ से देंगे? वो खाली बोर्ड के चक्कर में सबको भरमा रहे हैं, पैसा मार दिया सपा ने, सपा ने मार दिया। और क्या, आपको 40% किस्त नहीं दिया 2008 में, हम लोग रिटायर हो गए, 10वां 6ठा वेतन नहीं दिया। अच्छा। हाँ फ्री बिजली देंगे, फ्री बिजली का दही वोट के लिए दे रहे हैं, बस वोट दे जो है बस भूल गए, दिखाई नहीं पड़ेंगे फिर है? और क्या, नहीं उधर का देखें, हाँ अरे हम भाजपा को देंगे, भाजपा ही हैं, जाके बता देना रात को कत्ल कर देंगे, यही तो करेंगे, इसके आगे क्या कर पाएंगे है? डाला फैक्ट्री बेच दिया, ट्रैक्टर प्रतापगढ़ में कुछ आदमी मर रहे थे भूखे, नौकरी लगी थी उसको बेच दिया। ये सब फर्जी ड्रामा है, वोट लेने के चक्कर है और कुछ नहीं है। योगी की ठीक है गवर्नमेंट, बत्ती तो मिल रही 24 घंटा, कहाँ मिलती थी बत्ती, और गुंडाई थी उसमें, कहो रुपया छीन ले कहो वो छीन ले, एमा तो नहीं है ये सब। योगी बहुत बढ़िया गवर्नमेंट है, और पब्लिक का पैसा आएगा कि वो अपनी जेब से पैसा देंगे, बस इतना बोल देंगे। बिजली भी देंगे फिर बाल दूंगा, सरकार में आएंगे तब ये कह रहे हैं फ्री बिजली देंगे, और तब देखा जाएगा ना। तो आप लोग उनको समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर नहीं जिताएंगे कह रहे हैं वो अपनी जेब से पैसा दें तो हम समर्थन करेंगे, और वरना पब्लिक का पैसा पब्लिक से क्यों दिलवाएंगे? अच्छा। नुकसान तो पब्लिक ही क्या है ना, भैया वादा तो नेता करते ही हैं, आप जानते ही हो, बाकी क्या कहें, आप लोग सभी लोग जानते हो कि नेता नगरी में वादा तो ज़्यादा होता है, काम कम होता है, बाकी हमारे नेता जी बताएंगे। ये बताइए कि अखिलेश यादव ने कहा कि 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। देखिए ये जब इनकी सरकार थी तब गांव में सही तो बिजली दे नहीं पा रहे थे, और कानपुर का क्या हाल था, कितने देर टाइम मिलती थी सबको पता है,
है ना, बैटरी और इन्वर्टर का व्यापार उनके समय में बहुत बड़ा था। अब योगी जी आए हैं, प्रॉपर बिजली मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है और बिजली का बिल भी वाजिब आ रहा है, ठीक है। तो उसमें ये सब चुनावी वो केजरीवाल को देख के कि वो दिल्ली में जो है फ्री में दे के सरकार बन गई, ये यूपी है, यहाँ केजरीवाल और अखिलेश का हथकंडा चलने वाला नहीं है। योगी जी और मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं ये सब जनता समझ रही है, सब देख रही है और आने वाले समय में इन्हीं के साथ सब है, पढ़ा लिखा समाज जो भी है, गरीब अमीर मजदूर किसान सब उनके साथ हैं, सबके लिए। देखो किसानों के खाते में पैसा आ रहा है, मजदूरों का ई श्रम कार्ड बन गया, सबके खाते में पैसा आ रहा है। इनके सरकार में जो इनके दलाल बिचौलिए जो पैसा खाते थे आज सीधे सीधे डायरेक्ट सबके खाते में आ रहा है। तो इससे अच्छा, इससे अच्छी सरकार और नहीं मिल सकती है। और अगर ये यूपी की जनता का दुर्भाग्य होगा योगी जी अगर दोबारा नहीं बनते हैं तो।